Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. महज दो दिन के अंदर मीट माफिया याकूब कुरैशी की 21 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त। शुक्रवार को पुलिस ने सरायवाली में याकूब की 11.5 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क कर ली है, जिसमें 46 मकान और कोठियां शामिल हैं। उससे पहले गुरुवार को याकूब की पत्नी संजीदा बेगम के नाम पर 9 करोड़ के खेतों को जब्त किया गया था। पुलिस ने पहले फेज में याकूब की 31 करोड़ 70 लाख की प्रॉपर्टी को चिन्हित किया है, जिसमें से 21 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। एसपी देहात अनिरुद्ध सिंह के मुताबिक संपत्ति को चिन्हित करने का दूसरा फेज चलेगा, जिसमें याकूब की बाकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। याकूब कुरैशी फिलहाल सोनभद्र जेल में कैद हैं, लेकिन उनके दोनों बेटे इमरान और फिरोज जमानत पर बाहर आए हुए हैं। कुर्की के दौरान बड़े बेटे इमरान ने मीडिया बातचीत में कहा कि यह प्रॉपर्टी उनके बाप दादाओं के नाम पर है, उन्हें नहीं पता नगर निगम ने किस तरीके से इसको चिन्हित किया है। सुनिए बड़े बेटे इमरान से मिली जानकारी। इमरान, क्या प्रॉब्लम आ रही है आज ये भवन कुर्की करने आए हैं, आपका क्या कहना है? क्योंकि ये जो भवन है ये हमारे दादाओं के नाम पर है, क्योंकि नगर निगम का कोई रिकॉर्ड अभी हम लोगों को जानकारी नहीं है इन लोगों ने किस तरीके से इसका चिन्हित किया है। बट जो प्रॉपर्टी हमारी हमारे ताया के नाम पर भी है और हमारी मदर के नाम पर भी है, मदर वाली आगे वाली प्रॉपर्टी है, ये हमारी दादा के नाम पर प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पर जबरन कार्रवाई करी जा रही है या गलत तरीके से? ये आप लोग देख ही रहे हैं। नहीं नहीं, आप बताइए ना कि आप एक पॉलिटिकल हैं, चुनाव लड़ते आ रहे हैं, क्या आगामी आप? नहीं, ये तो आप देख रहे हैं कि हमारा पॉलिटिकल परिवार है। 2019 के अंदर हम लोगों ने इलेक्शन भी लड़ा था फादर ने एमपी का, और आप जो देख रहे हैं वो आप सब महसूस कर रहे होंगे। नहीं, हम कर रहे हैं। तो क्यों इस तरीके से, मतलब अगर आप सही हैं, आपका कहना है कि सब लीगल है, कुछ आप लोगों के द्वारा अवैध नहीं? ये तो क्योंकि हमने कोर्ट में लगाया है, कोर्ट इसका जवाब दे देगा, और ये जो भी प्रॉपर्टी इन लोगों ने अटैचमेंट किया है जल्दी ये रिलीज भी हो जाएंगे, क्योंकि इलीगल तरीके से कमाया एक रुपया भी नहीं है हम लोगों के पास। क्या भविष्य में आप चुनाव ना लड़ सके, आपका परिवार ये तो आने वाले वक्त में जो पॉलिटिकल हमारी पार्टी है वो डिसीजन लेंगी किस तरीके से हम लोगों का यूज करेंगी। नहीं नहीं, मतलब आप चुनाव ना लड़ पाए, आप राजनीति में ना रह पाए, उसलिए? नहीं नहीं, हमारा जो परिवार है वो पुराना परिवार, पॉलिटिकली परिवार है, पॉलिटिक्स तो हम लोग करते रहेंगे। अगर आज ये आप कागज नहीं, आप कागज मांग रहे हैं, कागज नहीं आए तो फिर क्या करेंगे? नहीं, हमारा जो ये मकान है हमारे दादाओं के नाम पर है, इलीगल तो हमारी एक रुपये की भी प्रॉपर्टी नहीं है। फिर सील क्यों लगी, क्यों इतनी कार्रवाई? ये तो आप लोग महसूस कर रहे हैं क्यों लग रही है। नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं ना, आप अपने मुँह से बताइए। ये जो हमारा फैक्ट्री के नाम पर मुकदमा किया गया था, एमडीए की हम लोगों के पास परमिशन भी थी, आईपीसी का मुकदमा नहीं था, ये फूड एक्ट के अकॉर्डिंग मुकदमा होना चाहिए था। 27 तारीख में हमारा 27 मार्च में लाइसेंस एक्सपायर हुआ और 4 दिन के लिए सिर्फ एक्सपायर हुआ था, और फूड एक्ट के अंदर उसमें अगर जो कोई लाइसेंस एक्सपायर होता है उसका आपने रिन्यूअल के लिए लगा दिया है तो उसमें एकदम अगर जो उसने रिजेक्ट कर दिया तभी माना जाता है वो। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से प्रदेश के अंदर चल रहा है, कोई बात नहीं, हम डरने वाले लोग नहीं है। इस दौरान एसपी देहात अनिरुद्ध सिंह ने मीडिया को यह जानकारी दी। एसपी साहब, याकूब कुरैशी का आज घर सील किया जा रहा है, कितने की संपत्ति है, कितने भवन सील किए जा रहे हैं? अल्फाई मेटिक्स कंपनी के डायरेक्टर हाजी याकूब कुरैशी के खिलाफ जो गैंगस्टर पंजीकृत हुआ था उसमें आज 13 संपत्तियों की कुर्की की जा रही है, जिनका वैल्यूएशन लगभग 11.5 करोड़ है। कल 2 संपत्तियों की कुर्की की गई थी जिनका वैल्यूएशन लगभग 9 करोड़ था, तो आज तक कुल मिलाकर लगभग 21 करोड़ के संपत्तियों की कुर्की की जा चुकी है। घर के अंदर कौन कौन इस समय उनके मौजूद है, क्या परेशानी आ रही है? कोई परेशानी नहीं है घर के अंदर, अभी सब लोगों ने घर को खाली कर दिया है, अब उसको कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। किस केस के अंतर्गत ये सीज किया जा रहा है, कितने मुकदमे लगभग होंगे? एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था अल्फाई मेटेक्स कंपनी के खिलाफ जो अनाधिकृत रूप से मीट की प्रोसेसिंग करते थे, और उसमें जो मीट था वो गुणवत्ता का नहीं था, सही गुणवत्ता का नहीं था, इसको लेकर के एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, और उसके बाद उसी मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर भी पंजीकृत हुआ था, तो उस गैंगस्टर अधिनियम के तहत ही
धारा 14(1) है जिसमें संपत्ति को कुर्क किए जाने का प्रावधान है, उसी के तहत कुर्की की कार्रवाई चल रही है। कितनी संपत्ति कुर्क हो चुकी है और कितनी अभी और करनी है? अब तक लगभग 21 करोड़ के संपत्तियों की कुर्की की जा चुकी है। अभी 14 संपत्तियां और चिन्हित हैं भूस्वामित्व और भूखंड के रूप में। इसके अलावा 35 गाड़ियां हैं जिनको कुर्क किया जाना है। 35 गाड़ियों को आप किस तरीके से चिन्हित कर रहे हैं? 35 गाड़ियाँ जो भी इनके नाम पे रजिस्टर्ड हैं, जो जिनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उनके नाम पे जो भी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है, उन पे आदेश भी आ गए हैं। और इनको कुछ गाड़ियाँ हमारे संज्ञान में हैं जिनको हम कुर्क कर रहे हैं, कुर्क करेंगे आगे आने वाले दिनों में। और इसके अलावा बाकी गाड़ियाँ जो हैं उनको RTO के सहयोग से हम कुर्क कराएंगे। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।